नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई, बहुत बढ़िया रसदार रसमलाई बनाएंगे, बहुत टेस्टी मार्केट जैसा। तो ये हम दूध ले लिए हैं, पूरा 3 लीटर के करीब हमारा दूध है। इसको हम उबाल लेंगे। वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग के पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं दूध को। दूध पहले गर्म कर लेंगे एक उबाल, उसके बाद से हम फाड़ लेंगे इसको। तो आइए इसको फाड़ लेते हैं। गैस को धरा लिए, इस पर हम दूध को रख लेते हैं। रख कर इसको अच्छे से एक उबाल आने तक हम इसको पूरा उबालेंगे। बस इसको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो जो दूध है नीचे चिपक जाता है। ऐसा बढ़िया बनाएंगे रसमलाई कि आप लोग देखते रह जाएंगे, बहुत बढ़िया टेस्टी। देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया। अब गैस को हम बंद कर लेंगे पूरा। गैस को बंद कर लेते हैं। दूध थोड़ा हम 1 मिनट के लिए ठंडा इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं तो बहुत बहुत खौला हुआ दूध में डालेंगे जो हमारा छेना का पानी है तो हार्ड हो जाएगा। तो इसको 1 मिनट के लिए चलाते हुए ऐसा ही थोड़ा ठंडा कर लेते हैं हम। तो ये लीजिए 1 मिनट हो गया। अब इसमें हम डालेंगे छेना के जो पानी है, पनीर का पानी, वो डालकर हम इसमें चलाते रहेंगे कि जो हमारा दूध है तो अच्छी तरह से पक जाए। ऐसे ही चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पूरा चलाते हुए इसको फाड़ लिए हम। इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं एक बर्तन में। एक लेते हैं छन्नी, एक बर्तन ऊपर से रखेंगे हम सूती के कपड़ा, इस पर रख लेते हैं। इसको पूरा भूनना है छेना, इसको हम छान लेते हैं। पूरा इसको निकाल के इसी में रख लेते हैं हम। अब इस पर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे बढ़िया से, कि थोड़ा जितना खट्टापन है इसमें के निकल जाए सारा एक्स्ट्रा भी। अब लेते हैं हम इसको, उठाते हैं इसको, निचोड़ लेते हैं पूरा के पूरा। अच्छे से छेना को पानी इसमें के निचोड़ लिए हैं। अब इसको बढ़िया से हम मैच करेंगे। जो हथेलिया होता है तलहथिए, इसी से हम मसलेंगे इसको। जितने मसलेंगे उतने जो हमारी रसमलाई है पूरा रुई की तरह सॉफ्ट बनेगी, नरम। इसको पूरा हम मसल लेते हैं बढ़िया से। पूरा अच्छे से मसलते हुए देखिए इसको नरम डो बना लिए हम। पूरा घूम रहा है गोल गोल, देखिए चिकना चिकना हो गया कितना बढ़िया। ये देखिए
इतना अच्छा नरम, ये जो छेना है इसको डो बना लिए अच्छे से। अब इसको हम गोली बनाते हैं। अब इसको लेंगे एक हम छोटा सा इतना सा, इसको दबाते हुए ऐसा जैसे रसगुल्ला बनाते हैं ना वैसा ही, तो इसको हाथ में पूरा गोल गोल घुमाएंगे, जैसे पृथ्वी गोल गोल होता है वैसा ही गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ा हम इसको दबाते हुए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा चपटा शेप देंगे ऐसा थोड़ा सा हल्का सा। तो ये देखिए कितना सुंदर कितना बढ़िया पूरा हमारा रसमलाई के गोला बनकर तैयार है। तो ऐसा ही पूरा हम बना लेते हैं, दूसरा भी ऐसा ही शेप में हम बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाते रहना है, तो ये लीजिए भी तैयार हो गया। तो पूरा फटाफट ऐसा ही हम बनाएंगे, इतना ही शेप में बनाएंगे कि जो रसमलाई है वो जो चाशनी में जाएगा तो बहुत ऊपर पड़ी उभर कर आता है पूरा। तो ये लीजिए पूरा हमारा रसमलाई के गोला तैयार है। अब चलते हैं इसको हम बनाने। गैस पर रख दिया है पेन, पेन में पानी 1 लीटर। अब हम डाल लेते हैं इसमें चीनी, 6-7 करीब के चम्मच है चीनी हमारा, इसमें हम डाल लेते हैं। अच्छे से इसको चाशनी को थोड़ा पकने देते हैं, एक उबाल, पूरा कोई तार के चाशनी नहीं बनाना है इसको, बस एक उबाल आएगा तो फटाफट इसमें हम जो रसमलाई है हमारा उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी पर हम डाल लेते हैं कूटा हुआ इलायची, इसे बहुत फ्लेवर टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, ये डालकर बनाइएगा जो रसमलाई के स्वाद है वो दुगना चौगुना बढ़ जाता है। तो इसको अच्छे से हम एक उबाल आने तक पका लेते हैं बढ़िया से। चाशनी है हमारी जो रसमलाई वाली बढ़िया से उबल रही है। अब इसमें हम फटाफट जो रसमलाई के गोला है इसको हम इसमें डाल लेते हैं सभी को। अच्छे से डाल लेते हैं सभी को, पूरा सभी को बढ़िया से डाल लिए। अब इसको हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसको पूरा पकाएंगे। 10 से 15 मिनट से बेसी नहीं इसको पकाना है, नहीं तो जो रसमलाई है हार्ड हो जाता है। इसको ढक लेते हैं हम, ढक कर अच्छे से इसको हम पकाते हैं इसी में। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए कितना फूल फूल कर बड़ा बड़ा हुआ है जो हमारा रसमलाई है। इसको अब हम थोड़ा सा इसको पलट देंगे ऐसा कि दोनों तरफ से अच्छे से जो है पक जाए बढ़िया से। पलट लेते हैं सभी को बढ़िया से, इसको पलट लिए और इसको हम 10 मिनट ढक कर, 5 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट ढक कर पका लेते हैं अच्छे से। तब तक हम दूध, जो रसमलाई में दूध डालने वाला है वो देखते हैं। रसमलाई में दूध डालने वाला धीमी आंच पर रख दिए हैं हम, इसमें चीनी डाल लेते हैं 5-6 चम्मच के करीब। अच्छे से इसको चलाते हुए मिलाते हैं चीनी के घुलने तक। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल लेते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत मस्त इलायची से बढ़िया से इसको थोड़ा पका लेते हैं 1 मिनट के लिए, हाई फ्लेम करके पका लेते हैं। अच्छे से इसको पका लिए, अब इसको गैस करते हैं बंद, देखते हैं रसमलाई अपना 15 मिनट बाद देखते हैं। तो ये लीजिए पूरा हमारा रसमलाई तैयार है, गैस को बंद कर लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं, तभी तो इसमें के जो चाशनी है गार गार के निकालेंगे निचोड़ निचोड़ के पूरा। जो हमारा रसमलाई है ठंडा हो गई है, अब हाथ में लेते हैं
ऐसा दबा कर इसको सारा इसमें के हम पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको हम बर्तन में, इस बर्तन में हम रखते हैं पूरा। ऐसा ही सभी रसमलाई को निचोड़ लेते हैं पानी, पूरा रसमलाई को अच्छे से इसमें के जितना चाशनी है निचोड़ लिए हैं। देखिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हम जो दूध है, जो दूध बना के रखे थे वो हम थोड़ा हिला लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं। अब इसको हम रखेंगे ढक कर आधा घंटा तक, कि जो दूध है पूरा रसमलाई में अब कर लेगा तो बढ़िया रहेगा। तो इसको ढक लेते हैं हम, तो इसको ढक कर आधा घंटा के लिए साइड में हम रखते हैं। आधा घंटा बाद इसको हम चेक करते हैं। तो ये लीजिए पूरा फूल फूल कर, देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है हमारा रसमलाई। तो हम पास से आपको दिखा देते हैं, तो इसको हम दिखा देते हैं एक निकाल कर। तो ये देखिए कितना दूध बढ़िया अशोक किए है हमारा रसमलाई, दिखा देते हैं पास से आपको। तो ये लीजिए हमारा पूरा रसमलाई तैयार है, ये देखिए पास से दिखा रहे हैं आपको हम। अगर मेरा वीडियो ये रसमलाई वाला रेसिपी अगर पसंद आप लोग के आती है दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहले हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के मोबाइल में नोटिफिकेशन जा पाए कि आप लोग मेरा वीडियो देख पाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।